हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 सर्किल के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 17 सीरीज चल रही थी। क्वेश्चन 12 तक अपन डिस्कस कर लिए थे। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 13 के आगे तक। तो इस वीडियो को भी आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बताने कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर में कोई भी वीडियो अपलोड करो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का फिगर आपको गिवन नहीं था, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS क्या है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट एंगल का सम कितना 180, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर आपका। एंगल PQR कितना है 135 डिग्री है, ठीक है। साइड SP एंड RQ, साइड SP और RQ को आगे की तरफ आप एक्सटेंड करोगे, प्रोड्यूस करोगे, तो किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ए पॉइंट पे। प्रोड्यूस मीट एट पॉइंट ए, वेयर साइड पीक्यू एंड एसआर प्रोड्यूस पॉइंट एट बी। इन दोनों को प्रोड्यूस कर रहे हो तो बी पॉइंट पर आपको क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। इफ एंगल ए रेशियो एंगल बी कितना है 2:1 एंड फाइंड द एंगल ऑफ ए एंड बी। इन दोनों एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि ये वाला एंगल और ये एंगल कितना है, ये फाइंड आउट करना है। यानी आपको फाइंड क्या करना है वो देखो, फाइंड करना है एंगल ए एंड एंगल बी, इन दोनों की वैल्यू। तो निकालते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहले आपको एंगल ए अपॉन एंगल बी इन दोनों का रेशियो गिवन है कितना 2:1। दोनों रेशियो से वैल्यू फाइंड आउट करो तो एंगल ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 2k और एंगल बी की वैल्यू कितनी मिल गई k। यहां से k की वैल्यू आ जाएगी तो अपन एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो, k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये वाला एंगल कितने का है 135 है, ये 130 है तो ये कितना हो गया 45 डिग्री और ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये 45 है तो ध्यान से देखना, ये एंगल कितना आपका 2k और ये एंगल कितना आपका k। तो अपन एक कंसेप्ट जानते हैं एक्सटेरियर सम एंगल प्रॉपर्टी से कि ये वाला एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम की इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिए, इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो मैं लिख सकता हूं, पहले इस एंगल को लो, इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको और इसको, कि एंगल PQR प्लस एंगल PQA इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है क्यों है, लीनियर पेयर है। तो देखो, एंगल PQA इक्वल टू 180 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 135 डिग्री। तो एंगल PQA इक्वल टू कितना 45 डिग्री आ गया, ये 45 हो गया। तो देखो, ये भी 45, इसको मैं बाद में लिखता हूं, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। इस वाले ट्राइंगल को ले लू मैं, कौन सा, इन ट्राइंगल PQA के अंदर ये वाला एंगल कौन सा है, एक्सटेरियर एंगल है। तो एंगल QPS ये किसकी इक्वल होगा, इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू के बराबर। तो एंगल PQA प्लस एंगल PAQ लिख सकते हैं, लिख दो यहां पे एक्सटेरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये कंसेप्ट अपन जानते हैं। तो एंगल QPS इक्वल टू, इस एंगल की वैल्यू कितनी है, देखो एंगल A कितना आपका
टू के, पहले पी क्यू ए, पी क्यू ए कितना आपका 45 है, प्लस ये कितना 2k, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। चलिए इतनी बात हो गया, ठीक है। अब मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो लिख सकता हूं एंगल आर क्यू बी ये किसके इक्वल है, पी क्यू ए के, क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जानते हैं हम कि दो लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल आर क्यू बी इक्वल टू ये कितना आपका 45 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 45 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद में वही सेम कंसेप्ट में इस ट्राइंगल वाला एक्सटेरियर वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो देखो इन ट्राइंगल कौन सा आर क्यू बी के अंदर एंगल क्यू आर एस ये किसकी इक्वल होगा, इस एंगल यानी इस एंगल की सम इसके और इसके इक्वल, तो लिख सकता हूं मैं आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू बी आर, तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू आर क्यू बी है ये आपका, इसकी वैल्यू कितनी है 45 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी के, इसकी वैल्यू कितनी है के, ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई थर्ड हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी, समझ गए होंगे। फिर देखो यहां पे मैं कंसेप्ट अप्लाई करता हूं, यहां पे लिख देना आप सेम रीजन, ठीक है। अब देखो पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना 180, तो एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू आर एस इन दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल 180 के इक्वल। इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से यहां पे आप वैल्यू पुट करोगे, मैं ये हटा देता हूं इतना सा, ठीक है ना, आप समझ जाना थोड़ा सा। क्यू पी एस की वैल्यू कितनी है 45 प्लस 2k और क्यू आर एस की वैल्यू कितनी है 45 प्लस k इक्वल टू 180 डिग्री, क्या लिख सकते हैं 45 और 45 कितना 90 और 90 इधर आएगा तो कितना 180 माइनस 90 डिग्री और 2k प्लस 2k कितना 3k, तो 3k की वैल्यू 3k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 और 3 ओनली k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 अपॉन में 3, तो k इक्वल टू कितना 30 डिग्री, यानी k का आंसर k की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई, तो एंगल a कितना आ जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री यानी 60 और ये आपका 30 डिग्री, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 14 में फिगर आपको गिवन है और एबीसी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एबीसी के आपका यानी गिवन लिख देता हूं मैं यहां पे, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इज पैरेलल टू दिस, एडी इज पैरेलल टू बी सी, एडी किसके पैरेलल है डी सी के पैरेलल है, एडी किसके पैरेलल है बी सी के पैरेलल है, ठीक है। फिर इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट बी सी एट पॉइंट ई एंड गिवन सर्किल ए पॉइंट एफ, ये आपको गिवन है, ठीक है, यानी जो ए का बाइसेक्टर वो इस बी सी पे ई पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और सर्किल पे ए पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये बाइसेक्टर तो एंगल वन किसकी इक्वल हो गया एंगल टू के इक्वल हो गया, तो लिख सकता हूं मैं ए एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो एंगल वन किसकी इक्वल एंगल टू के इक्वल, ये लीजिए एंगल वन किसकी इक्वल है एंगल टू के इक्वल हो गया, ठीक है। फिर आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट
प्रूव करना है फर्स्ट EF इक्वल टू FC, सेकंड प्रूव करना है BF इक्वल टू DF, ये प्रूव करना है। तो देखो फर्स्ट में प्रूव करना है EF इक्वल टू CF, तो ये लीजिए CF, ये प्रूव करना है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगा। ये कब इक्वल होगा? जब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये वाली लाइन इसके, चलो मैं प्रूव कर लेता हूं फर्स्ट। देखो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर एंगल टू किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा, इसको थ्री ले लेता हूं मैं, एंगल थ्री के इक्वल। और क्यों इक्वल होगा ये इक्वेशन? सेकंड क्यों इक्वल होगा? क्योंकि एडी पैरेलल है बीसी के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर मैं लिख सकता हूं एंगल थ्री किसके इक्वल होगा? इस एंगल के इक्वल होगा, इसको मैं फोर ले लेता हूं, एंगल फोर के इक्वल। ठीक है, या फिर फोर रहने दो, ठीक है ना, नाम ही लिख देता हूं मैं एंगल सी ई एफ के। ये कौन सी हो गई? इक्वेशन नंबर थर्ड। क्यों इक्वल है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से एंगल वन किसके इक्वल? एंगल टू के। और टू किसके इक्वल? थ्री के। और थ्री किसके इक्वल? सी ई एफ के। तो ये इक्वेशन आपकी हो गई फोर्थ, इसका अपन यूज करेंगे। आगे देखो, यदि मैं इस, देखो कंसेप्ट को समझना, आपको करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। यदि इस पूरे को मैं साइक्लिक ले लूं, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा, तो अपना काम लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया इस पूरे के, और ये पूरा, ये वाला एंगल और इसका सम आपका 180 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो निकालते हैं अपन। सबसे पहले मुझे ये एंगल की वैल्यू निकालना है, तो इस एंगल की वैल्यू कहां से आएगी? यहां से, इस ट्राइंगल से। तो इन ट्राइंगल ए बी ई के अंदर एंगल ए बी ई प्लस एंगल वन प्लस एंगल थ्री इक्वल टू कितना? 180। तो एंगल ए बी ई इक्वल टू प्लस एंगल वन की वैल्यू कितनी? एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री इक्वल टू 180। यहां से एंगल ए बी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस टू ऑफ एंगल थ्री, ये आ जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए ठीक है, इतनी बात तो ठीक है। अब देखो एंगल थ्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं ए बी सी डी को क्या गिवन है आपको? साइक्लिक क्वाड्रेटिक एरिया गिवन है। तो एंगल ए बी ई इक्वल टू नहीं, सम सम यानी प्लस ए बी सी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो एंगल ए बी ई इसकी वैल्यू कितनी है? उधर ले जाओ, तो एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 माइनस ही, और इसकी वैल्यू कितनी है? 180 माइनस टू ऑफ एंगल, टू ऑफ एंगल थ्री। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ से। ये लीजिए एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 माइनस 180 प्लस का टू ऑफ एंगल थ्री, ये कैंसिल आउट। तो एंगल ए डी सी की वैल्यू कितनी आ गई? टू ऑफ एंगल थ्री, टू ऑफ एंगल थ्री, ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू इसकी आ गई, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एंगल फोर की वैल्यू आ जाएगी। देखो यदि मैं ए ए नहीं, हाँ ए ले लीजिए, ए एफ सी डी इसको साइक्लिक कर दूं, और साइक्लिक है भी है, चारों पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो लिख सकता हूं साइक्लिक है। तो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए एफ सी
इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल, 180 के इक्वल। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 ऑफ एंगल 3 प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, एंगल ए एफ सी को लिख सकता हूं मैं, ई एफ सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ई एफ सी इसकी वैल्यू किसकी इक्वल, 180 माइनस 2 ऑफ एंगल 3 के इक्वल, 2 ऑफ एंगल 3 के इक्वल। अब देखो ये वैल्यू तो आ गई आपकी इसकी, ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड। अब मुझे वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है सी की वैल्यू, ठीक है, एंगल सी की वैल्यू निकालना है। ये ई एफ सी की वैल्यू आ गई ना, ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, ई एफ इक्वल टू सी एफ, ई एफ इक्वल टू सी एफ। चलो देखते हैं एक बार, इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल कौन सा है आपका, ई सी एफ में एंगल ई एफ सी प्लस एंगल सी ई एफ प्लस एंगल ई सी एफ, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल, 180 के इक्वल। इस एंगल की वैल्यू कितनी है, इस एंगल की वैल्यू ई एफ सी, ई एफ सी की वैल्यू आपकी ये रही 180 माइनस 2 ऑफ एंगल 3 प्लस सी ई एफ की वैल्यू कितनी है, एंगल 4, और इसकी वैल्यू कितनी है निकालनी है, तो एंगल 3 सी सी ई सी एफ इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, हो गया। चलिए अब देखो यहां पे इस 180 से 180 में कैंसिल आउट कर दूं तो ये लिख सकता हूं मैं, देखो 2 ऑफ एंगल 3 माइनस का, और एंगल इस एंगल 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो कहां से, यहां से ये वैल्यू लिख सकता हूं, ठीक है, तो यहां पे भी एक बार लिख दो, ठीक है, इसको मैंने फोल्ड नहीं किया क्या, चलो ठीक है कोई ना, ये एंगल आपका वही है सेम ही, एंगल सी ई एफ, इस एंगल 3 की वैल्यू क्या है आपकी, एंगल सी ई एफ, और उसके बाद कौन है, एंगल यहां तक हो गया, और ये सी ई एफ प्लस एंगल ई सी एफ इक्वल टू में कितना है, 0, क्योंकि कैंसल आउट हो गया। अब लिख सकता हूं, देखो ये माइनस 2 है, ये माइनस प्लस 1 है, तो माइनस करोगे तो 1 ऑफ एंगल सी ई एफ प्लस एंगल ई सी एफ इक्वल टू में 0, तो एंगल ई सी एफ, तो ये वाला उधर जाएगा तो इक्वल हो जाएगा सी ई एफ के। अब देखो सी ई एफ ये वाला एंगल सी ई की इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल, इस एंगल की अपोजिट साइड कौन है, ई एफ, ये किसके इक्वल होगा, एफ सी के, ये आपको प्रूफ करना था, तो ये हैंस प्रूफ, ये आपका ऐसे अपन इसको प्रूफ कर लेंगे। फिर देखो नेक्स्ट सेकंड को प्रूफ करें, तो सेकंड में देखो आपको प्रूफ क्या करना है, BF, ये BF और ये DF, ये इक्वल प्रूफ करने हैं, तो सबसे पहले आपको ये गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 यहां पे गिवन है, तो ये जो एंगल मेड हो रहा है वो किससे मेड हो रहा है, इस लाइन से, इस लाइन सेगमेंट से हो रहा है, तो आर्क बोल दो, आर्क BF इक्वल टू, और ये वाला एंगल किससे मेड हो रहा है, 2 से, तो ये दोनों इक्वल है, तो इनकी आर्क भी क्या होगी, इक्वल होगी, ये आपका BF, ये लीजिए।
आर्क सेम है तो इनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है, फिगर नहीं था, मैंने ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी। देखो एबीसीडी इज इक्विलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या है आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइड ए बी एंड डी सी प्रोड्यूस मीट एट पॉइंट ई, यानी ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी को प्रोड्यूस करो तो किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। एडी और बीसी को प्रोड्यूस करो तो किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एफ से, ठीक है। वेयर साइड बी सी एंड एडी प्रोड्यूस मीट एट पॉइंट एफ, एंगल डी सी एफ रेशियो एंगल एफ रेशियो एंगल ई इक्वल टू कितना है, 3:5:4। ये आपको गिवन था और आपको फाइंड आउट करना है इस क्वाड्रिलेटरल की सभी एंगल की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा, जो साइक्लिक बना हुआ है उसकी। तो देखो सबसे पहले आपको रेशियो गिवन है तो इस रेशियो से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्स्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एंगल की वैल्यू रिप्रेजेंट कर देता हूं। इसकी वैल्यू कितनी, इसका रेशियो कितना है, 3 है, तो वैल्यू कितनी, 3 के। फिर एंगल एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 के। फिर एंगल ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के आ जाएगा। चलिए अब ये है कहां पे वो देखो। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट ये भी आ गया, ये क्या है आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस एंगल की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं तो ये आपका 2 हो गया, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू किसके इक्वल, एंगल 2 के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। इसका भी अपन यूज करेंगे, ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। अब देखो ध्यान से, इस एंगल और इस एंगल का सम इस एंगल की इक्वल आएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। और एक चीज देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। चलो लिख देता हूं, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अंदर, सी डी के अंदर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी सी एफ इसके इक्वल होगा, और ये डी सी एफ किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, ठीक है ना। चलो मैं इसको इतना ही लिखता हूं एक बार, ये इक्वल क्यों है, ये इक्वल है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। चलिए अब देखो, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी डी एफ, ये किसके इक्वल, 1 के इक्वल, और ये किसके इक्वल आपका, 3 के इक्वल, और 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो इन सारों की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, एंगल 1 किसके इक्वल, 2 के, और इन सब की वैल्यू क्या आपकी, 3 के। ये सी है ना आपका, ये इक्वेशन हो गई आपकी सेकंड। अब देखो मैं एंगल लेता हूं, अब ट्राइंगल ले लेता हूं, इन ट्राइंगल सी डी एफ में एंगल एफ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल ए डी सी, ए डी सी इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल, 180 के इक्वल। तो एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। एफ की वैल्यू कितनी है, 5 के, माइनस का 5 के। 1 की वैल्यू कितनी है, 1 ये रहा, इस 1 की वैल्यू कितनी है, 3 के। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इसकी, ठीक है।
तो देखो ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और ये जो तीनों कंडीशन है इसी को लिख सकता हूं मैं, एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 8 के, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट इन ट्राइंगल, इसको ले आओ, इन ट्राइंगल ए बी सी ई के अंदर ये वाला एंगल और इस एंगल का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल बी ई या ई लिख देता हूं, ई ये लीजिए, ठीक है। ये आया कहां से, एक्सटीरियर सम, ये एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल 2 की वैल्यू देखो कितनी है 3 के, प्लस इसकी वैल्यू ई की वैल्यू कितनी है 4 के, ये लीजिए 4 के, तो एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी 7 के, ये आपकी 7 की आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इतनी वैल्यू अपने पास में यहां पे मिल जाएगी। तो ए डी सी की वैल्यू आ गई और ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब देखो अब अपन जानते हैं कि इनका सम कितना, ये 180, एक मिनट, मैंने इस ट्राइंगल लिया ना, ये एक्सटीरियर, ये सही नहीं हुआ ना, एक्सटीरियर लगाना था ना, इसमें एक्सटीरियर लगा मैंने, एंगल एफ ये अपना सही नहीं हुआ, एक्सटीरियर वाला लगाना था ना यहाँ पे। तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं इस ट्राइंगल में, एंगल ए डी सी ये किसकी इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल एफ के इक्वल होगा, ठीक है, क्यों, वही सेम रीजन लिख देना आप, ठीक है ना। तो एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल ए की वैल्यू कितनी है 3 के और इसकी वैल्यू कितनी है 5 के, तो ये आ जाएगा एंगल ए डी सी इक्वल टू 8 के। ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, इक्वेशन नंबर 3rd, और ये कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर आपकी 4th। अब आपको ए बी सी डी क्या गिवन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो एंगल इन दोनों का सम 180, ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इन दोनों की वैल्यू किसकी इक्वल, 180 के इक्वल। ए डी सी की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 3 से 8 के, और इसकी वैल्यू कितनी है 7 के, ये लीजिए 180। यहां से ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से, तो ये 15 के इक्वल टू 180, तो के की वैल्यू कितनी 180 अपॉन में 15, के इक्वल टू कितना हो गया 12, के की वैल्यू कितनी हो गई 12 डिग्री आ जाएगा, ये k की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी a की, तो एंगल a की वैल्यू कितनी है 3k इक्वल टू, एंगल a की वैल्यू कितनी है 3k इक्वल टू 3 इंटू के, कितना आया 36 डिग्री। फिर मुझे निकालना है इस ADC की वैल्यू, इस ADC की वैल्यू कितनी है 8k, ये 8k, तो 8 इंटू 12 कितना आएगा 96 डिग्री। उसके बाद में इसकी बात करूं, ठीक है, ये आपका एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल टू 7 के
ये होगा 7 × 12 कितना 84 डिग्री। अब मुझे चाहिए इस एंगल की वैल्यू, ये एंगल कितना होगा, देखो एंगल बी सी, एंगल बी सी डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल, 1 है। ठीक है, देखो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल बी सी डी प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 3 डिग्री, ये कितना आ जाएगा आपका 3, या फिर ऐसे निकाल लो ना, देखो ये साइक्लिक है तो इन दोनों का सम आपका ये है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए की वैल्यू कितनी है 36, तो ये करेंगे तो 144 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसको आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको फिगर गिवन है, तो फिगर को मैं ड्रॉ कर देता हूं। पी क्यू आर एस गिवन आपको क्या है, देखो गिवन है इन फॉलोइंग फिगर्स शो सर्किल विथ पी आर इज द डायमीटर, पी आर आपका डायमीटर है, पी आर इज द डायमीटर ऑफ सर्किल सेंटर ओ, ठीक है ना, ये लीजिए इतना लिख देता हूं मैं, फिर पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 3 आर एस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर, क्या निकालना है आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर सभी साइड आउट यानी साइड आ जाएगी तो पेरीमीटर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि साइड का सम ही क्या होगा आपका पेरीमीटर होता है। तो देखो निकालते हैं अपन, सबसे पहले एक कंसेप्ट अप्लाई करते हैं यहां पे कि पी आर क्या आपका डायमीटर है, पी आर आपका डायमीटर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना 90 हो गया, तो ये सबसे पहले देखो पेरीमीटर निकाले तो पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फिर क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिर आर एस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो देखो 6 × 3 है ना ये, तो ये 3 इसके नीचे आएगा, तो ये लीजिए 2 सेंटीमीटर, तो ये आ गई आपकी आर एस 2 सेंटीमीटर। यदि ये वाली साइड आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब ये साइड कौन देगा, ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर जिसमें एंगल पी क्यू आर क्या आपका 90 है, क्यों है, क्योंकि सेमी सर्किल में एंगल क्या है, एंगल ऑफ सेमी सर्किल, एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, तो ये 90 हो गई। तो अपन जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसके सामने ये आपका हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसको मैं ले लेता हूं पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या आपका क्यू आर का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है,
यानी क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये लीजिए, अब देखो पी आर की वैल्यू चाहिए, पी आर स्क्वायर तो इक्वल टू क्यू, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, तो पी आर की वैल्यू देखो कितनी आएगी, पी आर स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 36 इक्वल टू कितना आ गया 85 सेंटीमीटर आ गया। पी आर स्क्वायर कितना आ गया 85 सेंटीमीटर आ गया। अब लेते हैं इन ट्राइंगल पी एस आर, जिसमें एंगल पी एस क्या है आपका 90 है, क्यों 90 है ये सेम लिख देना, तो ये आपका हाइपोटेनियस के सामने साइड, 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी एस का स्क्वायर इंटू आर एस का प्लस आर एस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 85 इक्वल टू पी एस आपको निकालना है और आर एस की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इधर आएगा तो 85 माइनस 4, तो पी एस की वैल्यू देखो कितनी आएगी, पी एस इक्वल टू रूट ऑफ 85 माइनस 4 कितना 81, तो पी एस की वैल्यू आ जाएगी यहां से 9 सेंटीमीटर, ये पी एस की वैल्यू ये 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 7, ये कितना 6, ये कितना 2, पी एस कितना 9, इन सबको आप एड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 15 9 9 ये 25 आ गया, यही आ रहा ना, ये आपका 9 18 और ये 6 24 सेंटीमीटर, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपको फिगर की मदद, तो फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूं, देखो ये आपका डायमीटर है, एक ऐसे लाइन है और एक ये है, ये सी बी डी ओ यहां पे और ये आपका ए, और आपको गिवन क्या है वो देखो, गिवन आपको इन गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर, ए बी क्या आपका डायमीटर है, चलिए इतनी बात करिए, ऑफ सर्किल एंड विथ सेंटर ऑफ इफ कोड ए सी इक्वल टू कोड ए डी, ये आपको गिवन है, प्रूफ क्या करना है वो देखो, प्रूफ करना है फर्स्ट आर्क बी सी इक्वल टू आर्क डी बी, बी सी इक्वल टू आर्क डी बी, ये प्रूफ करना है। सेकेंड प्रूफ करना है ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी, सी ए डी का यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाए तो बाइसेक्टर हो जाएगा, ये प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ करते हैं, सबसे पहले ये मैं रब कर देता हूं इसको, देखिए क्वेश्चन की थीम को समझना, पहले आपको कोड ए सी इक्वल टू सी डी गिवन, ए डी गिवन है तो इसी का मैं यूज कर देता हूं, पहले तो ए सी इक्वल टू कोड ए डी, तो इनकी साइड इक्वल होगी, यानी ए सी कोड ए सी इक्वल है तो ए सी इक्वल टू ए डी होगी, ये लीजिए ये तो गिवन था आपको, ठीक है, या इक्वेशन लिख देता हूं यहां पे ये, उसके बाद में मैं इन दोनों को ज्वाइन करवा दूं तो ये आपका 90 हो गया
और ये आपका 90 हो गया। तो एंगल या फिर ऐसे लिख दो एबीसी या एबी इज द डायमीटर, एबी इज द डायमीटर और ये डायमीटर है, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल 90 के इक्वल। ये 90 है तो क्यों 90 है, तो एंगल ऑफ सेमी सर्किल ऑफ इज 90 इज 90, ठीक है ना। ये लीजिए, अब अपन इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आर्क बीसी और आर्क ये इक्वल करनी है, तो ये आर्क इक्वल, पहले ये साइड इक्वल आ जाएगी तो इनसे आर्क इक्वल आएगी। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, इन दोनों ट्राइंगल ए बी डी कर देता हूं, ए बी डी, इन दोनों में सबसे पहले ए बी किसके इक्वल है, ए बी के। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों कॉमन है, चलिए ठीक है। फिर आपका है एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये कितना आपका 90 है। ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। उसके बाद में ए सी इक्वल टू ए डी, ये इक्वल कहां से, या तो गिवन लिख दो या इक्वेशन फर्स्ट लिख दो। तो देखो 90 डिग्री एक साइड और एक हाइपोटेनियस इक्वल होते हैं, तो कौन सा रूल लगता है, राइट हाइपोटेनियस साइड। कॉन्ग्रेंसी रूल से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल ए बी डी, ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई सीबीसी से कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। तो बी सी किसकी इक्वल हो गया, BC इक्वल टू BD, BC इक्वल टू BD, है ना। BC इक्वल टू DB, ये लीजिए, ये आया कहां से, बाई CPCT से। तो इस BC से कोण कौन सी बन रही है आपकी, ये कोण नहीं, ये आर्क बन रही है। तो आर्क है ना, स्मॉल में लिख दो आर्क बी सी इक्वल टू आर्क डी बी, ये लीजिए फर्स्ट। तो सेकंड की बात करूं तो सेकंड में देखो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये इक्वल है, ये क्यों इक्वल है, बाई सिंप्लिसिटी से इक्वल है, ठीक है। ये इक्वल हो गया तो मैं कह सकता हूं AB is the bisector of, AB is the bisector of angle CAD, ये लीजिए, ये निकालना था आपको, ठीक है। अब इसके आगे क्या निकालना वो भी देख लीजिए, इसके आगे आपको फाइंड आउट करना है कि फर्दर इफ द एंगल लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इसके बाद में, या ठीक है ना, लेंथ ऑफ आर्क ए सी ट्वाइस द लेंथ ऑफ आर्क बी सी, बी सी फाइंड द एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल निकालना है एंड ए बी सी निकालना है, ए बी सी ये वाला एंगल निकालना है, बी ए सी एंड एंगल बी ए सी, बी ए सी एंड एंगल ए बी सी ये निकालना है। तो देखो ए सी ये वाली आर्क की बात चल रही है इसकी, ठीक है ना। तो इससे ये जो साइड आपकी,
इस आर्क से जो साइड मिलेगी आपको ये इक्वल होगी, यानी ए सी किसकी इक्वल होगी, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो, कोई वैसा नहीं है ना। चलिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये टू ऑफ एंगल टू ऑफ साइड बी सी। तो इस ए सी से जो एंगल आपका बनेगा वो यही बनेगा, इस ए सी से जो एंगल बनेगा आपका वो ये बनेगा आपका, कौन सा एंगल बी सी, बी सी ए सी से ए बी सी, और बी सी से एंगल बी ए सी, ये बनेगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल, 180 के इक्वल। अब देखो एंगल ए बी सी, या फिर ये निकाल दो पहले, ए की बात है आपकी इच्छा है, ए बी सी की वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं, एंगल ए बी सी की वैल्यू लिख सकता हूं 3/2 ऑफ एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस ये 90 इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को लिख सकता हूं मैं 3 ऑफ एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस 90 करोगे तो ये आपका 90 हो जाएगा। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना हो गया, 90 अपॉन में 3 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया। इस वैल्यू को मैं यहां पे पुट करूं तो एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 60, 2 × 30 कितना 60। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है, ठीक है। इसको आप सीक्वेंस से नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, तो आप एक बार नोट डाउन करोगे तो बेटर आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।